नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन पहले आपको अगले दिन की सारी तैयारी करवा दूंगी, तो अब मैं आपको माँ शैलपुत्री का महामंत्र बताने जा रही हूँ जिससे कल उनकी पूजा आपने करनी है। पहले मंत्र नोट कर लीजिए, फिर इसके लाभ आपको बताऊंगी। ओम ह्रीम श्रीम श्री शैलपुत्री दुर्गे नमः। कल कलश स्थापना के बाद इस मंत्र का एक माला का जाप करें। इस मंत्र से जाप से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, माँ शैलपुत्री डर को दूर करेंगी। आइए अब मैं आपको माँ शैलपुत्री के खास कलर के बारे में बताती हूँ। माँ शैलपुत्री का विशेष रंग है लाल। लाल रंग को अपनी लाइफ में शामिल कर कर आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ब्लड से जुड़े हेल्थ इश्यूज़ में ये बेनिफिशियल रहेगा। आपकी एनर्जी को, कम्फर्ट को बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। लाल रंग के बेनिफिट्स कैसे पाएँ ये भी बताती हूँ। रेड कलर की कोई चीज़ खाएं, जैसे चुकंदर, अनार, गाजर, वाटरमेलन या इसका जूस पिएं। रेड कलर के कपड़े पहनें या फिर बेड पर रेड कवर बिछाएं कुछ मोमेंट्स के लिए, जिस दिन एनर्जी लो हो। लगातार बेनिफिट लेने के लिए मोबाइल का कवर रेड ले सकते हैं। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा कलर रेड है। मैं आपको बताती हूँ अपने घर में कैसे लाल रंग की मदद से आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। साउथ फेसिंग स्ट्रक्चर को रेड पेंट या रेड फ्लावर्स लगाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लिविंग रूम की साउथ वॉल में रेड वॉलपेपर या रेड पेंट कर सकते हैं या रेड कोई आर्ट लगा सकते हैं। डाइनिंग एरिया में कहीं भी थोड़ा रेड कलर यूज़ करें, डाइजेशन के लिए अच्छा है। बेडरूम्स में डीप रेड को अवॉइड करें, इधर आप सॉफ्ट रेड पिंक कलर को यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम में भी कर्टन्स, बेड कवर्स, कुशन्स, फ्लावर पॉट्स या पेंटिंग्स यूज़ करें। खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज़ को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।